आईआरएफसी है इनके पास, 650 शेयर 57 पर इन्होंने लिया हुआ था, काफी अच्छे लेवल पर एंट्री की है और स्टॉक अब 70 रुपए के ऊपर कारोबार कर रहा है। रत्नेश जी क्या सलाह देंगे, काफी चल चुका है ऑलरेडी आईआरएफसी, अभी भी और तेजी के लिए रुकना चाहिए इस शेयर में? आईआरएफसी में भी इनको काफी अच्छा एक मुनाफा मिल रहा है, कि मेरे तो पार्शियली मुनाफा बांध लेना चाहिए इनको। हालांकि ओवरऑल अभी भी स्ट्रक्चर कहीं भी कमजोरी का नहीं है इसके अंदर। जो पार्शियली मुनाफा बांध दे उसके बाद में जो बचेगा उसमें 67 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के बने रहे। कहीं ना कहीं इसमें 82 से 85 रुपए तक के लेवल देखेंगे, तो जो बचा हो वो वहां पे मुनाफा बांध। अगला सवाल हमें भेजा है आगरा से दिशा जैन ने, आरवीएनएल 2000 शेयर्स 159 पर इन्होंने लिया हुआ, थोड़ी ऊपरी लेवल पर आरवीएनएल में इन्होंने एंट्री ले ली है। गौरांग क्या व्यू बन रहा है आपका आरवीएनएल पर? ये क्षेत्र के ऊपर मैं टिप्पणी करना चाहूंगा, रेलवे क्षेत्र के ऊपर पूजा। और ये पूरा जो भी परिवर्तन हम भारतीय रेल को सुधारने की जो नीतियों में हमने देखा है सरकार के तरफ से, वो न तो सिर्फ सरकारी कंपनियों को यहाँ पर ऑर्डर बुक मजबूत करेगा, लेकिन निजी क्षेत्र की भी कंपनियां जो हैं, जो रेलवे कोचेस वगैरह बनाती है, उनको भी बहुत बड़ा सहायता मिलेगी। और जो खास करके जो रेलवे सेफ्टी सिग्नलिंग सिस्टम बनाती है, तो और जो परिवर्तन हो रहा है वो सिर्फ 20 साल के नहीं, काफी लंबे समय के लिए हो रहा है। तो अच्छी और सक्षम मजबूत कंपनियों में अगर आपका निवेश है तो आप उसमें बने रह सकते हैं। विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है। ठीक है, चलिए अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं। अगले दर्शक जो हैं उन्होंने व्हाट्सएप के ज़रिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है, दीनदयाल दिल्ली से, और इनका सवाल जी एंटरटेनमेंट पे है। 400 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 268 रुपये की इनकी खरीद है। चलिए इस पर एक राय लेते हैं। रत्नेश जी, जी एंटरटेनमेंट क्या करना चाहिए, हालांकि हाल फिलहाल हमने देखा मीडिया स्टॉक्स में तेज़ी भी नज़र आई थी कल। नहीं, जी एंटरटेनमेंट अभी तक कंटिन्यू अंडर परफॉर्मेंस में बना रहा है, इसमें लोअर लो फॉर्मेशन हमको देखने को मिल रहा है। हालांकि अपने थोड़ा सा की एवरेज से ऊपर जरूर आया है, भी रिसेंट में हमको थोड़ा सा अगस्त माह में इसमें वॉल्यूम देखने को मिला था, तो बहुत ज्यादा तेजी तो नहीं दिख रही। इनको मैं सलाह दूंगा कि 252 रुपये का स्टॉप लॉस लगा ले, ऊपर में कहीं पे भी 275 तक आएगा तो वहां पर मुनाफा बांध लेना।